कोशिश का फल। एक था तोता और एक थी मैना, दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। जब देखो पास ही बैठे हैं, बातें हो रही हैं, मगर तोता कुछ गमगीन सा रहता था। मैना अक्सर इस बात को महसूस करती थी और इसकी परेशानी का सबब पूछती, लेकिन तोता बात काट देता और कोई दूसरी बात छेड़ देता। आखिर मैना से न रहा गया। एक दिन उसने तोते से कुरेद कर पूछा, तोते मियाँ, हम लोग मुद्दत से एक जगह रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं। फिर क्या बात है कि तुम उससे अपनी बेचैनी को छिपाते हो? ये तुम्हारा वहम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ये ठीक है, तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, ये खूबसूरत शक्ल और सूरत, ये बाग की बहारें, फल फूल और ऐसा अच्छा मौसम, अपनी नींद उठे हो, अपनी नींद सोते हो, मगर फिर भी देखती हूँ कि तुम किसी फिक्र में डूबे रहते हो। आज मुझे अपना भेद जरूर बताओ, इससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा। तोते ने जब देखा मैना मानने वाली नहीं है तो इसने कहा, मैना बहन, बात यह है कि आजकल दुनिया में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। बाग में जितने जानवर हैं, किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं। तुमने भी देखा होगा कि कौवा चिड़ियों के घोंसलों में जाकर उनके अंडे बच्चे खा जाता है। चील और बाज के मुंह से भी खून लगा हुआ है। हर तरफ जुल्म है। जो जरा भी ताकत रखता है वो कमजोर को सता रहा है। हर एक को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मार देना मामूली बात हो गई है। मैं जब इन करतूतों की तरफ देखता हूँ तो दिल कांप जाता है। लेकिन तुम इन सब की फिक्र में क्यों घुल रहे हो? ये दूसरों की फिक्र नहीं है, ये तो अपना ही गम है। जब जुल्म और सितम ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम ही इससे कहाँ बचेंगे। किसी घर में आग लग रही हो और हम मुतमईन अपने घोंसले में बैठे रहें कि आग दूर लगी है, ये अकलमंदी की तो निशानी नहीं। इसका सही तरीका तो यही है कि आग जहाँ भी लग रही है वहीं इसको बुझाने